देखिए गाइस, पास दिखा रहे हैं इतने प्यारे, इतने यम्मी, मीठे मीठे गुलगुले। और ये देखिए इसमें कितने सारे एयर पॉकेट आए हुए हैं, इनकी वजह से लगता है कि बिल्कुल फूले फूले अच्छे से बने हुए हैं। तो आज की हमारी ये रेसिपी गुड़ के मीठे गुलगुले, तो चलिए देखते हैं कि कैसे बने, बनाते हैं। हेलो एवरीवन, हम छाया मिश्रा आप सबका स्वागत करते हैं अपने चैनल छाया मिश्रा में। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी रेसिपी कि आज हम आप लोगों के लिए क्या लाए हैं। तो चलिए आज हम बनाने जा रहे हैं आटे के गुलगुले। तो ये हमारा जैगरी गुड़ है, ठीक है, आप इसकी जगह पर चीनी भी ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। ये देखिए इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। और देखिए आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे ना तो ये गुड़ अपने आप मेल्ट हो जाएगा। तो देखिए इसको हम ऐसे करके पूरा घोल लेंगे अच्छे से, इसका हम एक तरह से चाशनी टाइप की हो जाएगी, सारा गुड़ इसमें घुल जाना चाहिए। और देखिए ये रेसिपी ज़्यादातर त्योहारों में भी बनाई जाती है, और जब नई नवेली बहू घर में आती है ना तो बहुओं से ये बनवाया जाता है मीठे में, जिसको गुलगुले बोलते हैं। तो इसको हम घोलते हैं, फिर मिलते हैं आपके। ये देखिए गाइस, हमने सारा गुड़ घोल लिया है, ठीक है। तो इसको हम अपने स्टैंडर से छान के ले लेंगे, क्योंकि जो इसमें इम्प्योरिटी होंगी वो सारी इस छन्नी में रुक जाएंगी, तो इसको छानना बहुत जरूरी है। ये देखिएगा इसे एक कटोरी आटा लिया है, जिसको हम इसमें डालेंगे। और अब कुछ नहीं करना है, ये जो हमारा जूस निकल के रखा है उसको धीरे धीरे डालना है इसमें, और इसको घोलना है इस तरह से, ठीक है। तो सारा इसमें डाल के घोल लेंगे। ये देखिए गाइस, थोड़ा थोड़ा करके डाला तो इसमें गुठलियां भी नहीं पड़ी और हो भी गया, लेकिन अभी ये थिक है। तो ये देखिए ये हम सारा डाल देंगे। ये देखिए एक वो सारा का सारा चाशनी इसमें पड़ गई, ठीक है। उसको अच्छे से फेंट लेंगे ऐसे करके। अब ये देखिए गाइस, अगर आपको ज्यादा फेंटना नहीं है तो उसको 4 से 5 घंटे के लिए रख दीजिए, फेंटना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। मगर आप तुरंत बनाना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके अच्छे से मिक्स करिए, अच्छे से फेंटिए कम से कम 5 से 10 मिनट। तो इसको हम फेंटते हैं, फिर मिलते हैं। ये देखिए गाइस, 10 मिनट के लिए ऐसे रख देंगे रेस्ट करने के लिए, क्योंकि 10 मिनट रेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो रखते हैं 10 मिनट के लिए, और तक हम पानी चढ़ाते हैं कढ़ाई। ये देखिए गाइस, ये बबल्स आप देख रहे हैं, ये इसका इंडिकेशन है कि हमारा अच्छे से फूल गया है। तो अब चलिए बनाते हैं। हमारा ऑयल भी हो चुका है, देखिए इस तरह से आप पानी हाथ में लगा लेंगे ना तो जो बैटर होगा वो डालने में आसानी रहेगी। तो इस तरह से एक छोटा सा पार्ट लेंगे और इसमें हम डालेंगे। देखिए धीरे धीरे से पकने लगा है, तो ये अभी ऊपर भी तैर के आ जाएगा, तो इसी तरह से पकाना है। देखिए इसी तरह से और डालेंगे, जितनी हमारी कढ़ाई में स्पेस है उतने ही हम ऐड करेंगे, अच्छे से छोटे छोटे डाल देंगे इस तरह से। आप इसमें चाहें तो बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, बट हम बेकिंग सोडा नहीं, हम ट्रेडिशनली जैसे बनते हैं उसी तरह से, जैसे नई घर में बहू आती है वो बना उससे बनवाया जाता है, तो वो हम बता रहे हैं आपको। ये देखिए गाइस, इस तरह से कलर आने पर हम इसे निकाल लेंगे। और देखिए कितने फूले हुए हैं कि ये देखिए चिटक चिटक से जगह से गए हैं, इतना फूल गए हैं। तो चलिए सारे बनाते हैं, फिर मिलते हैं। ये देखिए गाइस, हमारा दूसरा खाना भी रेडी हो रहा है। एक बात और गाइस, अगर आप चीनी के बनाते हैं तो कुछ व्हाइट पन पर रहेगा, व्हाइट रहेगा आपका गुलगुला, और अगर आप गुड़ से बनाते हैं जैगरी से तो आपका रेड होगा। और आप इसको घी या रिफाइंड ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल में भी बना सकते हैं। तो इसको इसकी फ्लेम जो है वो धीमी रखेंगे, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं रखेंगे, वरना ऊपर ऊपर से तो पक जाएगा, अंदर कच्चा रहेगा। तो आज सीख लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, सबको ये चीज गुलगुले बहुत पसंद आते हैं, ये एक मीठी स्वीट रेसिपी है। ये देखिए गाइस, बनकर रेडी है हमारे गुलगुले, कितने सारे और इतने यम्मी हैं या इतने प्यारे हैं कि बता नहीं सकते। ये देखिए आप देख सकते हैं कि कितने फूले हुए हैं अंदर तक, ये देखिए है, और इतना बढ़िया मुलायम है कि कोई हार्ड नहीं, इसको बूढ़े तक आराम से खा लेंगे। और देखिए इसकी इस पर मत जाइएगा,
क्योंकि इसमें मीठा जपन ज्यादा है, ठीक है। इसमें हमने गुड़ की मात्रा ज्यादा कर रखी है, इस वजह से ये आपको चिटके चिटके लग रहा है। अगर आप मीठा कम कर देंगे तो बिल्कुल इस तरह से प्लेन बन के आएंगे। तो चलिए सर्व करते हैं। देखिए गाइस, आज की हमारी ये रेसिपी मीठे गुलगुले, कहीं कहीं पर इसको पुआ भी बोला जाता है और हमारे यहाँ मीठे गुलगुले बोला जाता है। जब नई नवेली बहू घर में आती है तो उससे ये स्वीट डिश बनवाई जाती है। तो आज की हमारी ये रेसिपी आज की अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ।